फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। हिंदू से पहले एक न्यूज़ पीआईबी की आई थी जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ पीआईबी की न्यूज़ आइटम। वो ये है महासागर कैंपेन के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज़ दिस महासागर कैंपेन? महासागर इज़ अनदर वर्ड फॉर ओशन। आपको पता होगा वास्ट ओशन को हम महासागर बोलते हैं, और ये इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव है। याद रखिएगा, इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ फॉर अ हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। याद रखिएगा, इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव है। समझ में आ गया, महासागर इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म क्या है महासागर का? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है ना, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट। अब ये एक हाई लेवल का वर्चुअल इंटरेक्शन रहेगा, और जो जो मैरीटाइम हेड्स हैं इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज के, वो मिलेंगे फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ठीक है ना, एंड दिस इज द मेडन एडिशन फॉर दिस इंटरेक्शन। पहला एडिशन है महासागर का, होस्ट होगा होस्टेड बाय इंडियन नेवी ऑन 29th of November 2023। किया कब किया गया? 29 नवंबर 2023 को किया गया। एंड इसमें हमारे एडमिरल आर हरि कुमार, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ने इंटरेक्ट किया विद द हेड्स ऑफ द नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स। मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं IOR में, उनके साथ इंटरेक्शन किया। और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं IOR की लिटोरल, तो वो भी देख लीजिए। बांग्लादेश, कॉमरोज, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, शेशल्स एंड श्रीलंका एंड तंजानिया, है ना। तो दिस इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। है वही वाली बात है कि ये जो इंटरेक्शन था, इसकी थीम थी कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। मतलब जो कॉमन चैलेंजेस हैं इंडियन ओशन रीजन के, उनको किस तरीके से कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच के साथ दूर किया जा सकता है, कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच के साथ दूर किया जा सकता है, दैट इज़ वॉट हैज़ बिन डिस्कस्ड इन दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। स्टार्ट करते हैं अब हिंदू की न्यूज़ आइटम से। तो मैं थोड़ा लास्ट से स्टार्ट करूंगा जहां से न्यूज़ आइटम शुरू हुए हैं एक्चुअली। तो पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है स्प्रेड ऑफ एड्स कैन बी स्टॉप्ड विद साइंस बैक्ड प्रोटोकॉल्स। अब यहां पे बात चल रही है एड्स के बारे में। तो याद रखिएगा, पहला जो केस डायग्नोज हुआ था इट वॉज इन 1981 में, एंड उसके बाद से अभी तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि दैट ग्लोबली 39 मिलियन पर्सन आर नाउ लिविंग विद HIV। अभी आज की डेट में 39 मिलियन पीपल हैं ऐसे जो HIV में से जूझ रहे हैं। इंडिया में फिगर जो है वो 2.4 मिलियन अकेला है, 2.4 मिलियन इन इंडिया। ठीक है ना, एंड मतलब केवल हम अगर हम 2022 की बात करें तो 1.3 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शन 2022 में हुए हैं ग्लोबली, और 63,000 इंडिया में हुए हैं। ठीक है ना, एंड जो ये मेजरली ट्रांसमिशन होता है, ये ज़्यादातर फीमेल सेक्स वर्कर्स, मेन हैविंग सेक्स विद मेन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, इन केसेस में ज़्यादा ये देखने को मिला है। ठीक है ना, अब जिस व्यक्ति को HIV एड्स होता है उसका क्या दिक्कत होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम इज देयर एंड इट लीड्स टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, फंगल मेनिनजाइटिस, निमोनिया, एडायरल डिसीजेस, स्किन लीजंस, सर्टेन कैंसर्स एंड ऑल, है ना। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने डेवलप की है गाइडलाइंस ऑल्सो। इट हैज़ डेवलप्ड द गाइडलाइंस फॉर एडवांस्ड HIV टू प्रिवेंट एंड डायग्नोज दीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो WHO ने गाइडलाइंस भी डेवलप की हैं फॉर एडवांस्ड HIV टू प्रिवेंट एंड डायग्नोज दीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, बट दीज गाइडलाइंस आर स्टिल नॉट वाइडली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी फिलहाल बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है ना, अब जो ट्यूबरकुलोसिस है यानी TB है, ये सबसे बड़ा लीडिंग किलर था अमंग द HIV केसेस इन 2022। अगर हम देखें 2022 में सबसे अधिक जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की हम जो बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जिस कारण से फिर डेथ्स हुई ऑफ द HIV पेशेंट्स। एंड इसमें इसकी दवाई के रूप में क्या यूज़ हो रहा था? आइसोनियाजिड एंड रिफापेंटाइन। याद रखिएगा, आइसोनियाजिड एंड रिफापेंटाइन जो है वो प्रूव कर रहे थे इफेक्टिव इन क्लिनिकल ट्रायल्स, बट
कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टीवी प्रोग्राम में ये ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग कि क्यों ट्यूबरकुलोसिस के कारण फिर डेथ हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कैसे हम उससे बच सकते हैं। देखो पहला तरीका हमने क्या देखा, पहला तरीका हमने देखा कि अगर इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को डायग्नोस कर लिया जाए तो हम उससे बच सकते हैं। तो इसके लिए WHO की गाइडलाइंस का फॉलो होना जरूरी है। द फर्स्ट मेथड इज दैट, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या बोला कि जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो रिफैम्पेटाइन और जो आइसोनियाजिड ऐसा जो मेडिकेशन है फॉर दैट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आप वो प्रोवाइड करें। अब कई कंट्रीज जो नहीं प्रोवाइड कर पा रही, ऑब्वियस बात है वहां पर डेथ्स ज्यादा होंगी। एंड तीसरा जो ऑथर ने यहां पर रिकमेंड किया है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो हम ART थेरेपी बोलते हैं ना डायग्नोसिस के बाद। ऑथर ने यह भी बताया कि अगर ART थेरेपी में कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो बिल्कुल उतना ही जी सकता है जितना कि कोई नॉन HIV एड्स पेशेंट जीता है। हाँ, हो सकता है उसको थोड़ा केयर ज्यादा जरूरत पड़े, लेकिन बोथ कैन हैव द सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ऑथर ने यही सजेस्ट यहां पे किया है कि ये भी चीज आपको देखनी जरूरी है कि किस तरीके से आप हाउ कैन यू गेट दिस ART डन एंड किस तरीके से इसको आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं, है ना। अब दिक्कत कहाँ होती है, जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं वहाँ पर चूंकि ART की गाइडलाइंस अभी बिल्कुल वहाँ पे और दूसरे थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं पीछे रह जाता है एड्स एंड ऑल। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग दिस ART थेरेपीज इन ऑल दीज, क्योंकि यही तरीके हैं जिससे कि आप फिर HIV एड्स से होने वाली जो डेथ्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो All these things are there. And author ने ये भी कहा कि जब आपको AIDS होता है तो वहां पर कई बार ये जो रिस्क होता है कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स का, जैसे हार्ट अटैक, इश्कीमिया, इनका भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप अलग अलग मेडिकेशन, जैसे कि थोड़ा आप अपने यहाँ एक इंडिया में ब्लड थिनर के रूप में यूज होता है ना, इकोस्प्रिन जैसे दवाई होती है, ब्लड थिनर होता है, तो आप ये थोड़ा बहुत ले सकते हैं, इसको रिकमेंडेशन डॉक्टर कर देगा। तो मेडिकेशन आपको थोड़ा CVDs कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस के लिए भी लेना पड़ेगा। तो ऑल दीज things were suggested in order to prevent an HIV AIDS related death and all. I hope you got clarity regarding this article. आगे move करते हैं, दूसरे articles की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे है फिस्कल डेफिसिट टचेज 45% ऑफ द फुल ईयर टारगेट। ऑब्वियसली बात है ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि हमारा जो टारगेट था, सपोज हमने 100 रुपये का टारगेट बनाया था फिस्कल डेफिसिट का, तो उसमें से 45 रुपये का ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। अब यहाँ पर बात क्या है फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट मैं आपको बताता हूँ। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट की बोरोइंग। सपोज करो मैंने प्लान बनाया था, मेरे पास थे 100 रुपये। अब ऑब्वियसली बात है जब मेरे पास 100 रुपये हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं खर्चा भी 100 रुपये का ही करना चाहूँगा। बट होता क्या है गवर्नमेंट के केस में, दे आर प्लानिंग फॉर, दे हैव 100 रुपीज़ इन रेवेन्यू, बट सम टाइम द एक्सपेंडिचर क्रॉसेस दैट 100 रुपीज़ एंड बिकम्स 150 रुपीज़। सो दिस एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ विच इज मोर दैन द रेवेन्यू पार्ट, इट बिकम्स द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट बोरोइंग इज एक्चुअली द फिस्कल डेफिसिट, याद रखिएगा। एंड फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेंड बाय द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर from that of the total expenditure that is incurred in the same period, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है जो मैंने बताया वही चीज यहां पे लिखी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू में हम बोरोइंग इंक्लूड नहीं करते। मतलब सपोज को रेवेन्यू में तो बोरोइंग भी आएगी, मतलब मैंने किसी से पैसे मांग लिए वो भी मैं अपने रेवेन्यू में जोड़ सकता हूँ, बट यहाँ पर बोरोइंग वाली रेवेन्यू नहीं जुड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड फिस्कल डेफिसिट सारी इकोनॉमीज में होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक इकोनॉमी में ही हो रहा है ना, और इंडिया बस में हो रहा है। और फिस्कल डेफिसिट होना हमेशा बुरा भी नहीं होता है। कई बार हम जो बोरोइंग करते हैं वो रेलवे स्टेशंस बनाने के लिए करते हैं, सपोज करो, मतलब कुछ जो हम फिक्स्ड कैपिटल्स और इन्वेस्टमेंट के रूप में जब करते हैं ना कई बार बोरोइंग, तो वो बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, कोई टूरिस्ट प्लेस आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा फ्यूचर में। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके का फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल गलत है। मतलब अगर कभी यू स्टेटमेंट आए कि फिस्कल डेफिसिट इज टोटली निगेटिव फॉर इकोनॉमी, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना। फिस्कल डेफिसिट गलत नहीं होता है ना। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड बोरोइंग अगर आप फालतू के खर्चे करने के लिए पैसे ले रहे हैं तो दैट बिकम्स अ सैडिस्टिक पार्ट, बट दिस फिस्कल डेफिसिट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल इज नॉट बैड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज है कोर सेक्टर्स के रिगार्डिंग, कोर सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कोर सेक्टर्स। देर आर 8 कोर सेक्टर्स, ये आपको पता होगा 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। ये कई बार UPSC ने पूछा है घुमा फिरा करके, तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। 8 कोर सेक्टर्स हैं कोल,
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स। एंड IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो निकाला जाता है उसका 40.27% जो है वो कोर सेक्टर्स मिला करके रहते हैं। तो 40.27% उसका कोर सेक्टर्स हैं। एंड इनका जो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि कोर सेक्टर्स का कितना कितना वो है, तो इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज है। फर्स्ट, सेकंड में आता है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड में आता है स्टील, फोर्थ में आता है कोल, फिफ्थ में आता है क्रूड ऑयल, सिक्स्थ में आता है नेचुरल गैस, सेवन्थ में आता है सीमेंट, एंड देन एट्थ में आता है फर्टिलाइजर। ठीक है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल, द 8 कोर सेक्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। फर्स्ट इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज स्टील, फोर्थ इज कोल, फिफ्थ इज क्रूड ऑयल, सिक्स्थ इज नेचुरल गैस, देन सेवन्थ इज सीमेंट, एंड देन लास्ट इज फर्टिलाइजर। अब दूसरा जो टॉपिक होता है इसी के साथ, वो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP की बात हम कर लेते हैं। तो IIP एक इंडिकेटर है विच मेजर्स द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मतलब एक महीने में, क्योंकि IIP महीने में कैलकुलेट होता है, हर महीने में कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स, वो डिटरमाइन करता है IIP के माध्यम से। इसको पब्लिश किया जाता है मंथली, और इसको निकालता कौन है, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तीन सेक्टर मेनली होते हैं IIP के अंदर, एक होता है माइनिंग, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसमें याद रखिएगा जो बेस ईयर है IIP का 2011-2012 है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हेनरी किसिंगर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स निक्सन एंड फोर्ड, हैज डाइड एट द एज ऑफ 100। तो हेनरी किसिंगर जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अंडर रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी फोर्ड, एंड ही हैज डाइड एट द एज ऑफ 100। अब हेनरी किसिंगर बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़े तो 1971 के टाइम पे हेनरी किसिंगर वॉज द पर्सन हु हेल्ड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल। तो ठीक है, we can not be very sad on his death. So आगे मूव करते हैं। कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हंट मेनेट सेज वोंट बिल्ड डैम्स ऑन मेकोंग रिवर। तो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हंट मेनेट ने कहा है कि वो कोई भी डैम अब मेकोंग रिवर पे नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनके जो वाटर बॉडी है मेकोंग रिवर है, एक तो उसको नुकसान पहुंचेगा, दूसरा उनके यहाँ एक लेक है टोनले सैप लेक, ये देखो लिखा हुआ है लोकेशन, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो UPSC ने क्वेश्चन पूछा टोनले सैप लेक का कहाँ पर है, तो ये आपको याद रहे ये कंबोडिया की लेक है, प्लीज रिमेंबर दैट टोनल या टोनले सैप लेक, इट इज इन कंबोडिया। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस लेक एज वेल। एंड मेकोंग रिवर का तो पता ही होगा आपको, एक क्वेश्चन आया था UPSC में, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट। मेकोंग इंडिया में कौन सी कंट्रीज इनमें से पार्टिसिपेंट नहीं है? फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकेंड इज कंबोडिया, थर्ड इज चाइना, फोर्थ इज म्यांमार, एंड फिफ्थ इज थाईलैंड। आपको बताना था कौन नहीं है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2, 5 ओनली। तो इसमें आप आई होप आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, दैट इज आई एम लीविंग दैट टू यू। ठीक है ना, अगला है इंडिया सेट टू लॉन्च एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। इसरो ने कहा है कि इंडिया जो है वो एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट लॉन्च करेगा टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज। अब जैसे जो मतलब हम स्पेस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एक्सरे के सोर्सेज हैं, मतलब ऐसे सोर्सेज जहाँ पे एक्सरेज निकल रही है ना। अब उन एक्सरे सोर्सेज का पोलराइजेशन स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, यानी कि एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट भेज रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा क्या, पोलराइजेशन ऑफ द इंटेंस एक्सरे सोर्सेस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको भेजा जाएगा PSLV लॉन्च व्हीकल में, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। और इस सैटेलाइट को प्लेस कहां किया जाएगा, यानी एक्सपोसैट को प्लेस कहां किया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये हमारा बिल्कुल लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाएगा, नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आसपास, 650 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के आसपास ये पुट अप किया जाएगा। एंड इसमें दो पेलोड्स हैं मेनली, पहला
पेलोड है पॉलिक्स नाम का। 5 साल का लाइफ टाइम रहेगा इस प्रोजेक्ट का। पहला जो पेलोड है वो है पॉलिक्स। पॉलिक्स क्या है? पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, जो कि डिजाइन किया गया है टू मेजर द पोलैरीमेट्री पैरामीटर्स, यानी कि पोलराइजेशन के पैरामीटर्स को पॉलिक्स स्टडी करेगा। और एक्स एस्पेक्ट जो है, यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा। तो बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एक्सपोसैट प्रोजेक्ट एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ द COP28 समिट। UAE में COP28 हो रहा है, पहले ही दिन लॉस एंड डैमेज फंड को फिर से मतलब अप्रूवल दिया गया है। मुझे नहीं पता, शर्म अल शेख इजिप्ट में भी, यानी COP27 में भी अप्रूवल मिला था, फिर से दिया गया। लेकिन अब इसमें आई थिंक मनी ऐड की गई है $250 मिलियन के आसपास की, मतलब लोगों ने कमिटमेंट कर दी है $250 मिलियन के आसपास के। एंड याद रखिएगा, बहुत कम है ये फ्रॉम द रिक्वायर्ड $1.5 ट्रिलियन रिक्वायर्ड है, बट ये भी $250 मिलियन दे आर सेइंग दैट यस इट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट, इट विल गिव अ गुड मोमेंटम टू दिस COP28 एंड ऑल। अब याद रखिएगा, इसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं फंड्स लेने के लिए, और कंट्रीज को इन्वाइट किया गया कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूट करिए। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस रहेंगे इसमें, और इसको मैनेज करेगा इंटरिम होस्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक। पहले मैनेज कौन करेगा? 4 साल के लिए एंटरिम होस्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक इसको मैनेज करेगा। हाँ, एक इशू जो है इस फंड के साथ वो ये है कि उसमें रिप्लेनिशमेंट यानी दोबारा भरने का क्या मैकेनिज्म रहेगा, इसके लिए कोई फिक्स्ड मेथडोलॉजी नहीं है, बस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे छोड़ दिया गया है। तो जब रिप्लेनिशमेंट का कोई मेथडोलॉजी ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये पता नहीं है कि एक बार पैसा खत्म हो तो दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाएगा फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड जो आपके सी स्टेट्स हैं वहां के लिए कुछ पार्ट फिक्स किया जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। हाँ, लेकिन जो डिफाइंड रिप्लेनिशमेंट का मैकेनिज्म है, साइकिल है, वो ना होने की वजह से जरूर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च। अब पहले 3 मतलब एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटर क्राफ्ट आने थे, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, ठीक है ना। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटर क्राफ्ट आने थे, जो कि कौन बना रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और ये इंडियन नेवी के लिए पहले 3 बना दिए गए, 8 बनाने हैं, 3 बना दिए गए हैं। उनके नाम है INS माहे, INS मलवन एंड INS मंगरोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये अभी यूपीसी कैसे पूछ सकता है कि INS माहे, मलवन एंड मंगरोल वर रिन्यूज, व्हाट आर दीज, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट, बट इतना आप याद रखिएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज एज वेल, इसको याद रखना है ना। एंड नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड ओशन एंगेजमेंट्स। तो नेवी की जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है December 4 से शुरू होगी, वो है एक्सरसाइज मिलन, है ना, सॉरी एक्सरसाइज मिलन जो है वो February 2024 में होगी, बट इट इज़ द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी, एक्सरसाइज मिलन। यहाँ पे 50 कंट्रीज से ज़्यादा के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसी न्यूज़ में एक और चीज़ था कि इंडियन नेवी ने ज्वाइन किया है बहरेन बेस्ड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि क्या है CMF, क्या है, तो CMF इज कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, और ये बहरेन बेस्ड है लेकिन US लेड है। याद रखिएगा, बहरेन बेस्ड है, US लेड है, मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है, एंड ये प्रमोट करता है बेसिकली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग द इंटरनेशनल वाटर्स इन द इंडियन ओशन रीजन एंड ऑल। तो ये याद रखना है आपको, ये भी CMF के बारे में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर आया था, तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें, इसका मतलब होता है कि जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन एक साथ किए जाएं, जब तब होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले जो 4 जनरल इलेक्शंस थे इंडिया के, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम था, तो पहले जो 4 जनरल इलेक्शंस थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही थे। ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में कभी नहीं हुए हैं, लेकिन तब दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस ही सेंटर में थी और कांग्रेस ही स्टेट में थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा फेडरल रिलेशंस का कोई वो मतलब नहीं था। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक जो मिक्स ऑफ पार्टीज़ हैं, वो कहीं कोई TMC रूल कर रही है, कहीं बीजू जनता दल रूल कर रही है, कहीं पे BJP है, कहीं कांग्रेस है, कहीं आपकी TDP है, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इस कारण से दिक्कत होती है। आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जनरल इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने के लिए। तो पहला क्या आर्ग्यूमेंट है फेवर में, कि जब अगर आप
सेपरेट इलेक्शंस रखते हो तो बार बार मैसिव कॉस्ट पड़ती है गवर्नमेंट को, है ना। जब वोटिंग होती है तो ऑब्वियस ही बात है ईवीएम लाना है, ये लाना है, वो लाना है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे लगाया जाएगा। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहता है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस अगर आप समझो कि एमपी में हो रहा है तो एमपी में डिप्लॉयड है, यूपी में हो रहा है यूपी में डिप्लॉयड है, त्रिपुरा में होगा तो त्रिपुरा में डिप्लॉयड रहेंगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है अलग अलग टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों इनको किया जाता है। तीसरा जो रीज़न यहाँ पे ऑथर ने दिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों करना चाहिए, तो वो भी ये है कि डेवलपमेंट के रास्ते आता है इलेक्शन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है जब इलेक्शन आता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो कोई भी डेवलपमेंट का काम आप नहीं कर सकते, कोई स्कीम नहीं लागू कर सकते, कोई नया प्रपोजल नहीं ला सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट के रास्ते में आता है। ये भी एक रीज़न है कि अलग अलग इलेक्शन क्यों गलत होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड लेसन द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्शंस, क्योंकि कैंपेन जो है एक बार में ही आपको करना पड़ेगा तो बार बार कैंपेनिंग के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है फिर क्रोनी कैपिटलिज्म थोड़ा कम होगा। ये भी रीजनिंग है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर आप प्लान करते हो तो इससे कि बार बार जो लोग हेट स्पीच करते हैं या रीजनलिज्म की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, वो सब नहीं करेंगे, और इस कारण से हो सकता है थोड़ा यूनिटी में बढ़ोतरी हो और जो इस तरीके डिवाइसिव मुद्दे हैं वो थोड़ा कम आए, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है एक लास्ट ये भी है कि इलेक्शन बार बार अगर आप करते हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उनके अंदर फटीग आता है, और एक बार फटीग आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो काम करना चाहिए उनको, तो फटीग को कम करेगा। कुछ अगेंस्ट में भी हैं। अगेंस्ट में क्या है, जैसे पहला ये है कि भैया स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि ये सेंटर ने डिसाइड कर लिया, स्टेट्स के साथ कंसल्ट नहीं किया, पहला इशू। दूसरा ये है कि इट इज़ लाइकली टू पुश द लोकल एंड रीजनल इशूज असाइड। ऑब्वियसली बात है जब आप दोनों इलेक्शन से एक साथ करोगे तो जो सेंट्रल इशूज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, वो जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे देन योर जो इसके रीजनल इशूज़ हैं, रूरल रीजनल इशूज़ हैं, लोकल इशूज़ हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से जो लोग हैं कहते हैं कि भैया अगर आप इस तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन करोगे तो ये रीजनल इशूज़ जो हैं वो साइड हो जाएंगे और फिर सिर्फ सेंट्रल इशूज़ जो हैं वो मेन आ जाएंगे। इसके अलावा ऑथर ने कहा कॉस्ट वाला आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे मतलब कंट्री में एक साथ इलेक्शन कराते हो तो उतने ही नंबर ऑफ ईवीएम्स आपको और लगेंगी, उतने ही नंबर आपको टेबल चेयर ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं वो इक्वलेंट ही पड़ेगी। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जब बार बार इलेक्शंस होते हैं तो यूथ है, जो जनता है, वो थोड़ा एंथुजियास्टिक रहती है, तो वो चीज़ आप उनसे छीन लोगे एंड दे विल बी वेरी मच इन द डेड जोन फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि बहुत सारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जो कि करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लास्ट है ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 कमीशंस एंड ओमिशंस। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ हुआ क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल जो है रिलीज़ किया गया है नवंबर में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, यानी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए रेगुलेशन बिल है ये, ठीक है ना। उसकी बात कर लेते हैं क्या क्या करता है। पहली चीज ये कहता है कि इट ऑब्लाइजेस द ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्राइबर डेटा। पहला चीज़ ये बोला है कि जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, दे विल मेंटेन द सब्सक्राइबर डेटा, मतलब कि जो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, कौन यूज़ कर रहा है, उनका डेटा वो मेंटेन करेंगे, एंड सब्जेक्ट दिस टू पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट, है ना, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्म्स में होता है वैसे ही आपको इनका ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेकंड है, द बिल सीक्स टू स्टिपुलेट अ मेथडोलॉजी फॉर ऑडियंस मेजरमेंट। ये इसमें एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी लाई गई है फॉर ऑडियंस मेजरमेंट एंड सेल ऑफ रेटिंग डेटा, जो रेटिंग्स हैं उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये चीज़ की जाएगी कि ऑडियंस मेजरमेंट होगा और सेल ऑफ रेटिंग डेटा होगा, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि तीसरा, द प्रोविजन टू परमिट प्राइवेट एक्टर्स इन टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जो प्राइवेट एक्टर्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में एंट्री मिलेगी, परमिशन मिलेगी। अब ऑब्वियसली बात है जब टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में आएंगे तो इट विल गिव मोर कॉम्पिटिशन टू दूरदर्शन द स्टेट ब्रॉडकास्टर, जो हमारा स्टेट ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, उसको भी काफ़ी चैलेंज मिलने वाला है फ्रॉम दीज प्राइवेट प्लेयर्स नाउ, है ना, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग का भी। अब ये तीन चीज़ें तो आपको हो गई, क्या क्या चीज़ें बिल करता है।
जाता है, ठीक है ना। अब बिल क्या क्या चीजें, मेजर कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो पहला मेजर कंसर्न है इज बिल इंक्लूडिंग ओवर द टॉप कंटेंट सप्लायर्स इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। बिल ने OTT यानी कि ओवर द टॉप कंटेंट सप्लायर्स जो हैं उनको भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के अंदर काउंट कर लिया है, ठीक है ना। एंड ट्राई ने भी यही प्रपोजल दिया था। तो एक पहला इशू ये कि जो बाहर के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब हो गए, ये थोड़ा इससे खुश नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा बिल ने एक्सपैंड की है डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कॉन्स्ट्रिक्ट्स, एंड इसमें उन्होंने कहा है कि जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ आउटलेट जो रहते थे हमेशा ज़्यादातर वो इससे बाहर रहते थे, बट नाउ दे विल बी अंडर दिस, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी एक वह है कि कंटेंट इवेल्यूएशन कमेटी बनाई जाए, कुछ फोर्सफुल मेथडोलॉजीज हैं जो कि इस बिल के अंतर्गत कही गई हैं, जो कि पहले न्यूज़ आउटलेट्स फ्रीली करते थे बट नाउ दे विल बी फोर्स टू डू। तो इससे क्या होता है, एक तो मतलब फिजिबिलिटी कितनी है वो नहीं देख चेक किया गया, दूसरा कि जो न्यूज़ चैनल हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बेस्ट जानते हैं कि उनको न्यूज़ आउटलेट कैसे वर्क कराना है। तो ऐसे में फोर्सफुल आप बाहर से कैसे फोर्स लगा सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है, ऑथर ने कहा कि जो चीज़ नहीं का मतलब बिल में आई है, मतलब एक तरीके से आप मेजरमेंट ऑफ ऑडियंस तो कर रहे हो बट यहाँ पे क्रॉस मीडिया ऑक्यूपेंसी मतलब क्रॉस मीडिया ओनरशिप नहीं देख रहे हो। क्रॉस मीडिया ओनरशिप मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जब सिंगल कॉरपोरेट एंटिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कंपनीज को ओन करता है, सिंगल कॉरपोरेट एंटिटी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कंपनीज को ओन करता है, जैसे कि प्रिंट में भी आ गया, रेडियो में भी आ गया, टेलीविजन में भी आ गया, इंटरनेट मीडिया साइट्स में भी आ गया, तो उसको बोलते हैं क्रॉस मीडिया ओनरशिप बोलते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। लास्ट ऑथर ने कहा है कि जो बिल है वो साइलेंट है ऑन क्रिएटिंग अ इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर, है ना। ट्राई ने हालांकि कहा था ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए बट उसके लिए बिल साइलेंट है। लास्ट एक और चीज है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लीवे या पावर दे दी गई है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है एंड वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स को विदाउट इंटीमेटिंग एनी एडवांस नोटिस एंड ऑल। तो ये सारी चीजें कुछ हैं जो ऑथर ने उठाई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।